बहुत सारे शिक्षक ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक अपना डीएलएड का एडमिशन नहीं करा पाए थे और वो चाह रहे हैं कि नया सेशन में हम अपना एडमिशन कराएं। तो फिर भी जो है बहुत सारे लोग जो काफ़ी कंफ्यूज हैं डीएलएड को नई एडमिशन को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर जो है व्हेन स्टार्टेड योर डीएलएड न्यू एडमिशन, यानी कि जब आप डीएलएड एग्जामिनेशन के लेके यानी कि न्यू एडमिशन कब आप करवाना है, किस प्रकार से करवाना चाहते हैं, इसी के विषय में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक अपना डीएलएड कोर्स को कंप्लीट नहीं किए हैं और अभी तक आप अपना एडमिशन भी नहीं लिए, तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक, क्योंकि इस वीडियो में हम न्यू एडमिशन को लेकर चर्चा करने वाले। और इसके साथ साथ यह भी हम आपको बताएंगे कि कितने संस्थाएं होते हैं जो कि आपका डीएलएड कोर्स को भी उनके साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ अंतिम तक जरूर बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा का पूरा मामला समझाते हैं और डिटेल्स में जानते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से ज़रूर देखें और लाइक करें और वीडियो के साथ ज़रूर शेयर करें। कि आप सभी को पता है कि सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं एनआईएस का बात आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको जिम्मेदारी दिए गए थे कि जो अप्रशिक्षित यानी अनट्रेंड जो चीटर टीचर्स हैं उन सभी को जो है डीएलएड कोर्स को कंप्लीट करवाने का जिम्मेदारी एनआईएस को सौंपी गई थी, जिन्होंने जो है एनआईएस ने बखूबी से अपना जो है जो भी चीज़ कहा गया था वह बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे। लेकिन फिर भी जो अभी भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कि एडमिशन नहीं करा पाए थे एनआईएस से डीएलएड, तो उन सभी के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन है कि आप कहाँ से किस प्रकार से कर सकते हैं। और यहाँ पर डीएलएड अगर एनआईएस से अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं, नया एडमिशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर न्यू एडमिशन को लेकर अभी तक जो है एनआईएस ने किसी भी प्रकार का कोई चर्चा नहीं किए गए कि आपका जो है कब तक आपका यहाँ पर जो है कब तक आपके एडमिशन होंगे एनआईएस से डीएलएड करने। लेकिन यदि आप दूसरे संस्था से करना चाहते हैं तो आप दूसरे संस्था से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि एक बहुत ही बड़े नाम होते हैं इग्नू, आप इग्नू से भी आप कर सकते हैं। इग्नू में क्या क्या चीज़ है पूरा का पूरा डिटेल्स हम आपको यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर से ज़रूर देखिए और आपको हम बताएंगे कि अगर आप इग्नू से अगर आप करना चाहते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं वेबसाइट जो इग्नू का यह साइट है, ठीक है, तो इग्नू से आप किस प्रकार से अपना जो पूरा का पूरा डिटेल्स आप यहाँ पर डीएलएड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे संस्थाएं कि डीएलएड करवाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनआईएस ही आपका डीएलएड करवाते हैं, और भी बहुत सारा संस्थाएं हैं इग्नू के अलावा भी बहुत सारे और संस्थाएं जहाँ से जो है आप अपना डीएलएड को कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको थोड़े से कैटेगरिया बताएंगे कि किस प्रकार से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर इसका डिटेल चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता सकते हैं आप। इसके लिए हम स्पेशलिस्ट हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से आपको करनी है। यहाँ पर आपको शॉर्ट में यह वीडियो देखे जा रहे हैं। वीडियो का परफॉर्मेंस अगर अच्छा आया, अच्छा लाइक्स मिला, अच्छा शेयर मिला, तो इग्नू से किस प्रकार से आप एडमिशन लेते हैं, क्या क्या चीज़ करने पड़ेंगे, पूरा का पूरा डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है डीएलएड का जो फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन, अगर हम लोग बात करते हैं इसका ड्यूरेशन के लिए, तो यहाँ पर जो होते हैं 2 साल के लिए यह ड्यूरेशन होते हैं और इसका मैक्सिमम जो है 3 साल के लिए तक कर सकते हैं। मैक्सिमम कहने का मतलब होता है कि बहुत सारे जो है कैंडिडेट किसी कारणवश एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन वो जो है बीच में कहीं पर छोड़ देते हैं, तो वो जो छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे जो सेमेस्टर में इसमें एग्जामिनेशन होते हैं तो बहुत सारे लोग जो होते हैं क्या होते हैं फेल होते चलते हैं, यानी कि उनका जो अनसक्सेसफुल होते चलते हैं एग्जामिनेशन, तो वो दोबारा कितना बार एग्जामिनेशन दे सकते हैं, तो वो जो मैक्सिमम जो है 6 साल तक, यानी वन टाइम यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसका जो 6 साल के भीतर आपको कंप्लीट करवाना है मिनिमम कम से कम 2 साल तक। उसके बाद आप मैक्सिमम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप धीरे धीरे अगर कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल तक में आप इसको कोर्स को कंप्लीट करवा सकते हैं। अगर कोर्स फी के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो है आपको 12,000 रुपया पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल जो यहाँ पर 12,000 रुपया को फी आपको पे करने होते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आपका जो मैक्सिमम या मिनिमम इतने साल के ही होने चाहिए, कोई कितनों भी साल के हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसमें जो एलिजिबल कौन कौन होंगे उसी के बारे में यहाँ पर दिए गए लिखे हुए द अनट्रेंड परमानेंट टीचर्स हैविंग टू पास्ड 10+2 स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन विद 50% मार्क्स, यानी कि आपको जो कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए तब जाके आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एवर टीचिंग एट प्राइमरी इन एलिमेंट्री लेवल स्टैंडर्ड 1 to 8 इन रिकॉग्निशन स्कूल, यानी कि आपको जो 1 से लेकर 8 क्लास तक आप इसको जो पढ़ा सकते हैं, आपके पास यहाँ पर आपका एबिलिटी आ जाते हैं। इसके साथ साथ यह भी लिखे हैं कि द टीचर शुड बी मिनिमम हैव मिनिमम जो है 2 ईयर्स टीचिंग, कम आपके पास जो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तब आप जो है एडमिशन आप ले सकते हैं।
यहाँ पर उसके अलावा भी बहुत सारा यहाँ पॉइंटेड दिए गए, इग्नू ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन पेज 4 बॉक्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं यहाँ पर आप खुद से जा सकते हैं, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस भी डाउनलोड आप कर सकते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो थे इग्नू से, वैसे कैंडिडेट जो अपना डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एडुकेशन को इग्नू से करना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए क्या क्या आप अपना इग्नू से कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं कि नहीं। यदि आप चाहते हैं तो हमें कमेंट लिखकर यह बताएं कि इसका कंप्लीट प्रोसेस आप हमें बताएं, हम आपके लिए स्पेशली वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और वैसे लोग जो एनआईएस से करना चाहते यानी कि न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन कि एनआईएस जो है अभी डीएलएड को लेकर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाया जा रहा है कि इस साल कोई इसका न्यू सेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि ओल्ड सेक्शन ही इनको जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी पड़ रहे हैं, जिसके कारण यह जो है डीएलएड में नया एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो आपको यह वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं अपना समस्या। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, नई एक जानकारी के साथ।